नमस्कार दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने दशकों तक बॉलीवुड में काम करने के बाद कई यादगार फिल्में दीं। आज हम सुनाने जा रहे हैं बिग बी के 5 मशहूर डायलॉग जो यादगार बन गए। सबसे पहले जिस फिल्म का जिक्र है वह है दीवार। दीवार 1975 में रिलीज हुई और इसके डायलॉग लिखे सलीम जावेद की जोड़ी ने। तो आइए सुनते हैं अमिताभ का दीवार मूवी का ये डायलॉग। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, ये बात है। दूसरे नंबर पर है फिल्म शहंशाह। शहंशाह का ये डायलॉग लिखा इंद्रराज नंद ने। ये फिल्म रिलीज हुई 1988 में। तो आइए देखते हैं शहंशाह फिल्म का ये मशहूर डायलॉग। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। नंबर 3 पर है फिल्म कालिया। कालिया फिल्म का ये डायलॉग फिल्म की हाईलाइट बन गया। फिल्म 1981 में रिलीज हुई और इस फिल्म के डायलॉग लिखे इंद्रराज नंद ने। तो आइए सुनते हैं कालिया फिल्म का ये डायलॉग। कालिया, 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 कालिया। इस थाली पे तुम्हारा नहीं, हमारा नाम लिखा है। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। नंबर 4 पर जो डायलॉग है दोस्तों, वो फिल्म शोले से लिया गया है। फिल्म शोले 1975 में रिलीज हुई और बॉलीवुड की सबसे हिट फिल्मों में इसका शुमार होता है। इस डायलॉग को लिखा सलीम जावेद की जोड़ी ने। अमिताभ बच्चन का ये डायलॉग जो फिल्म शोले में उन्होंने बोला था, इसको इस सहजता से बोला कि ये देखते ही बनता है। आइए देखते हैं फिल्म का ये डायलॉग। अगर हम ही ये ना जाने के। ठाकुर बलदेव सिंह के घर जाना है। नंबर 5 पर जो डायलॉग है उसे लिया है हमने फिल्म डॉन से। डॉन आई 1978 में। इस फिल्म का डायलॉग इतना हिट हुआ कि आज तक याद किया जाता है। इसको भी लिखा सलीम जावेद की जोड़ी ने। तो आइए सुनते हैं डॉन फिल्म का ये डायलॉग। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दोस्तों वैसे तो अमिताभ के सभी डायलॉग एक से बढ़कर एक हैं, चुनना काफ़ी मुश्किल था। एक छोटी सी कोशिश की है, उम्मीद है अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई फहरिस्त के साथ, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए हमारा चैनल बॉबलो। धन्यवाद, खुशामदीद।